9 फरवरी 2021 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अरब मुल्कों में पहला देश बना जिसने सक्सेसफुली अपने ऑर्बिटर को मार्स तक पहुंचाया। मिशन के सफल होने से यूएई को नए नए खोज करने में और भी हौसला मिल गया, जिसके चलते लास्ट अक्टूबर को उन्होंने एक और नए मिशन के बारे में वर्ल्ड को जानकारी दी। इस बार वो किसी ग्रह पर नहीं बल्कि और इंटरेस्टिंग मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। इस बार उनका टारगेट मार्स और जुपिटर के बीच घूम रहे एस्टेरॉइड्स पर है। फिलहाल यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा और जापान ही एस्टेरॉइड्स पर अपना मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन यूएई अगर इस मिशन में सफल हो जाए तो वो भी उन एलिट क्लब में शामिल हो जाएंगे। यूएई के द्वारा एमिरेट्स मार्स मिशन के सफलता के बाद ये मिशन उस देश के लिए एक अच्छा खबर हो सकता है। पूरे अरब वर्ल्ड में यूएई अपने स्पेस मिशन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अपने साइंटिस्टों के साथ सफलताएं भी हासिल कर पा रहे हैं। मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट स्पेस साइंस में बहुत ही फेमस है। एस्टेरॉइड बेल्ट में काफी सारे एस्टेरॉइड्स हैं। इनके ज्यादातर का क्रिएशन कई बिलियन साल पहले हुआ, इस कारण उनपे साइंटिस्ट ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। नासा के द्वारा डेवलप किया गया पायोनियर 10 सबसे पहला सैटेलाइट था जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट से गुजरा। डॉन, NEAR शूमेकर एवं जापान का हायाबुसा मिशंस अब तक सबसे ज्यादा सक्सेसफुली एस्टेरॉइड्स पर उतरकर डेटा और सैंपल कलेक्ट करने में सफल हुए। यूएई का ये मिशन 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि लॉन्च होने के बाद पहले चरण में 2028 और 2029 के बीच अपने स्पीड बूस्टिंग के लिए वेनस और अर्थ के बीच घूमेगा, फिर 2030 तक जुपिटर और मार्स के बीच बना एस्टेरॉइड बेल्ट तक पहुंच जाएगा। यहां डिफरेंट टाइप के एस्टेरॉइड्स के बारे में स्टडी करने के बाद 2033 तक एक एस्टेरॉइड पर उतरेगा। वहां से सैंपल इकट्ठा करने के बाद यूएई डीप स्पेस एक्सपेरिमेंट में एक और मुकाम हासिल करेगा। यूएई इस मिशन के लिए अपने मार्स मिशन होप के समय से ही चलता आ रहा अपने भरोसेमंद पार्टनर लेबोरेटरी फॉर एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स के साथ पार्टनरशिप करेगा। हालांकि इस मिशन में कौन सा एस्टेरॉइड को चुना गया है या फिर किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग मिशन में किया जाएगा, इसका भी अनाउंसमेंट 2022 के बीच में किया जाना है। दोस्तों, यूएई के एक और इंटरेस्टिंग मिशन के बारे में आपको जानकारी दे दूं। 2022 तक MBRSC यानी मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर रशीद नाम से एक लूनर रोवर चंद्रमा के सतह पर उतारने वाला है, जो कि चांद के इक्वेटर के पास सैंपल इकट्ठा करेगा। 10 किलोग्राम वाला रोवर रशीद चंद्रमा के सतह पर उतरने वाला सबसे हल्का रोवर होगा। दोस्तों, देखा जाए तो यूएई पूरे अरब मुल्क में पहला देश बनने जा रहा है जो आधुनिक स्पेस साइंस को सीरियसली ले रहा है। इससे यूएई के साथ अन्य देशों को भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।